Hey friends, welcome back to my channel and today we are going to study tort against property, that is nuisance. पहला टॉपिक है न्यूसेंस. तो न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? टू हर्ट समवन और annoy. वेल, न्यूसेंस वर्ड जो है वो खुद डराइव हुआ है लैटिन वर्ड से न्यूर. इसका मतलब ही होता है तंग करना, annoy, पेन, हर्ट. न्यूसेंस मोस्टली अपने खुद के enjoyment के लिए होता है. मुझे बहुत पसंद है लाउड म्यूजिक में, लाउड नॉइज में म्यूजिक सुनना, लेकिन ये तो मुझे पसंद है, बाकियों को थोड़ी पसंद है. न्यूसेंस इज एन इलीगल एक्ट. ये एक इलीगल एक्ट है. इट मीन्स इनडायरेक्ट लीगल इंटरफेरेंस फॉर द इंजॉयमेंट. दो तरीके के न्यूसेंस होते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट. प्राइवेट न्यूसेंस में सिर्फ इंडिविजुअल अफेक्ट होते हैं, लेकिन पब्लिक में ढेर सारे लोग अफेक्ट होते हैं. तो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, उस केस का नाम है सोल्टा वर्सेस डी हेल्ड. ये एक चैपल बेल के बारे में है. जैसे कि इस केस में क्या हुआ था कि हमेशा चैपल खुला रहता था, वहाँ पे बेल रहता था, जिसको जो लाइफ में प्रॉब्लम होती थी, कमी होती थी, कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, वो चैपल में बेल बजाता था और राजा आकर उसे सामान देता था. तो क्या हुआ कि कुछ जो इर्द गिर्द के लोग थे, पड़ोसी थे, उनको प्रॉब्लम होने लगी इस चीज़ के लिए. ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है ये बिल्कुल पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड है. ठीक है, तो यहाँ पे जो बाकी लोग थे, मोहल्ले के लोग थे, उनको प्रॉब्लम होने लगी, तो उन्होंने केस फाइल किया एंड दे वर सक्सीडेड इन दैट. ओके, तो ये होता है हमारा न्यूसेंस. ये एग्जाम्पल हो गया पब्लिक न्यूसेंस का. अब हम आते हैं प्राइवेट न्यूसेंस के एग्जाम्पल में. मान लीजिए कि घर पे हूँ मैं, टीवी देख रही हूँ लाउड नॉइज़ में, मेरे पड़ोसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मुझे आके डायरेक्टली बोलेगा कि ये बंद करो, हमें दिक्कत हो रही है. ठीक है, बस एक पड़ोसी को दिक्कत है, बाकियों को दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बंद करो नहीं करो. लेकिन ये जो प्राइवेट न्यूसेंस है, ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए होता है, बाकियों के लिए नहीं होता है. तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो. तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.